सोना का बचपन भी तुम्हारी तरह बगैर माँ के गुजरा है। जैसे तुम्हारे बाबा तुम्हें तसल्ली देने के लिए तुम्हारी अम्मी का नाम लेकर तुम्हें खत लिखते थे ना, इसी तरह मैं भी सोना से कहता था कि ये गुड़िया तुम्हारी माँ जैसी दिखती है, तो इसलिए सोना ने इसका नाम परवीन रख दिया। मैं और सोना बिल्कुल एक जैसे है। मेरी बेटी और वो भले ही खून के रिश्ते में ना बंधे हो, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम एक असल खानदान ही हैं। मेरे लिए अब ये कोई माने नहीं रखता, क्योंकि मेरे लिए इसे कहीं ज्यादा कीमती और अनमोल वो रिश्ते हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। तुम अपने आप को उसकी असली माँ समझती हो? कोई खेल नहीं है ये, घर घर नहीं खेल रही तुम। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतनी जिम्मेदार माँ कब से बन गई, क्या एक हफ्ते पहले से? सोना अपनी हद पार कर रही हो तुम। ओह अच्छा, तुम्हारी हद कहाँ से शुरू होती और कहाँ पर खत्म होती है कभी सोचा है? ये खेल तुम खेल रही हो। इतना हौसला तुम में कहाँ से आ गया? हाँ, क्या इस वजह से कि निजात तुम्हें पसंद करता है? मैं चाह रही थी ऑफर तैयार होने के बाद ही तुमसे बात करूँ। मैं क्या जॉब ऑफर कर रही हूँ मुझे? उसके साथ तुम्हें 25% शेयर्स ऑफर कर रही हूँ मैं सरकान। मैं चाहती हूँ हम साथ आगे बढ़े। निजात के साथ डूबता हुआ नहीं देख सकती हूँ तुम्हें। बुर्जू ने सही कहा था, तुमने निजात पर वार किया उसकी बेटी के जरिए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हांदे,